I got a funny feeling. I got a funny feeling. दोस्तों, हमें से बहुत सारे लोग हैं जो कि कंप्यूटर खरीद लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये कंफ्यूजन रहता है या कुछ समय बाद भूल जाते हैं कि उनके कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, यानी कौन सा प्रोसेसर लगा है, कौन सी रैम लगी है, मदरबोर्ड किस कंपनी का है। बाई चांस सोचिए कि मदरबोर्ड का ड्राइवर इंस्टॉल हो गया और आपको ड्राइवर उसमें इंस्टॉल करना है या इंटरनेट से डाउनलोड करना है, तो आप इस कंफ्यूजन में है कि भाई रैम कौन सी है, या नई रैम आपको अपग्रेड करनी है तो रैम आपको नहीं पता है कि DDR4 लगी है, DDR3 लगी है, प्रोसेसर कौन सा लगा है। तो ये सारी जानकारी आपको सिंगल एप्लीकेशन से मिल सकती है जो कि बिल्कुल फ्री है, और इस एप्लीकेशन का नाम है CPU-Z। इस एप्लीकेशन को आप फ्री में इंस्टॉल कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है कहाँ से जाके आपको इंस्टॉल करनी है। तो यहाँ पे आपको आपके CPU की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आपका CPU कौन सी ब्रांड का है, कौन से जनरेशन का है, इसके साथ में उसकी क्लॉक स्पीड क्या है। अगर आप कैश मेमोरी को देखना चाहेंगे तो वो इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी, मदरबोर्ड की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी, मेमोरी आपकी कौन कौन सी लगी हैं, DDR4 है, उसका साइज़ क्या है, SPD क्या है, ग्राफिक्स कार्ड कौन सा लगा हुआ है, इसके साथ में ये ढेर सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस एप्लीकेशन से मिल सकती है। सो ये एक जो एप्लीकेशन है आपके बहुत काम आ सकती है अगर आप ड्राइवर इंस्टॉल करने के लिए अलग अलग ड्राइवर को ट्राई करते हैं। हमें से बहुत सारे लोग ट्राई करते हैं, पहले मैं खुद भी ट्राई करता था क्योंकि मेरे पास कई सारे मदरबोर्ड्स थे और मुझे याद नहीं रहता था कि कौन सा मदरबोर्ड अभी सिस्टम में लगा। या तो CPU को ओपन करके देखिए या फिर आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर दीजिए तो टारगेटेड आप वही ड्राइवर अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर पाएंगे।